अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप ठीक ठाक हों और शाद और आबाद हों और हर गम से आज़ाद हों। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बनाने लगे हैं, वो स्टेक बनाएंगे और मैं ज़ुकीनी बनाऊंगी जो कि तोरी होती है। चले जी देखें आप हम कैसे बनाते हैं। मैं अब इसमें तेल डालूंगी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, और चूल्हा गरम हो रहा है। जीरा डालेंगे और जब जीरा थोड़ा कड़कड़ाएगा तो फिर इसमें सब्जी, प्याज और गोश्त वगैरह सारा कुछ डालेंगे। मसाले हैं ये मैं इसमें डालूंगी, इसमें रेड चिलीज हैं, सॉल्ट हैं, टिक्का मसाला है, जीरा है, ऑरिगानो है और गरम मसाला और हल्दी है। ये मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए हैं। अब मैं इसमें ये वाली सुकीनी कहते हैं इसे, तोरी होती है जो, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और जो मसाले हैं वो मैं सारी चीज़ें जब डाल दूंगी ना फिर मैं एंड पे डालूंगी। मैंने बड़े प्याज लिए हैं और इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इनको फ्राई करने के बाद फिर शिमला मिर्च और एंड से फिर मैं टमाटर डाल के फिर मसाले डाल। अब मैं इसमें ये सारे जो मसाले थे वो मैं डाल देती हूँ और डाल दूँगी और एंड पे फिर मैं टमाटर डाल के फिर बंद कर दूँगी 2-3 मिनट का करने के बाद। एक हमारे बन गए, एक साइड पे कर दिए मेरे हस्बैंड ने और ये जो हमारी सब्जियाँ, थोड़ा सा गोश्त मैंने इसमें डाला था, ये भी ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें एंड पे ये दो मैंने टमाटर लिए थे बड़े वाले, ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के बाद इसको फिर बंद करके इसको साइड पे रखूँगी। को 3-4 मिनट मैंने ऐसे स्टर किया है। अब मैं इसको बंद करके
तो एक साइड से रख दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर देना है, चूल्हा बंद हो गया और ये हमने साइड पे करके 5 to 7 मिनट्स एक साइड पे रख देंगे और फिर डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर, जैसा कि आपने देखा, खाना बनाया है, स्टेक्स बनाए हैं और साथ में मिक्स वेजिटेबल बनाई हैं। तो आपको ये कैसा लगा हमारा मिलके खाना बनाना? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, और अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो। ओके जी, मिलते हैं एक नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने प्यारों को ये सब कुछ बना के खिलाएं। ओके जी, मिलते हैं जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।